वेलकम बैक टू चैनल कैसे फ्रेंड्स आप लोग आए होप आप लोग सब अच्छे हो गए एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा साथ साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा सो so दैट मैं जब भी, भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ आप लोगों से मेरे कोई भी वीडियो मिस नहीं हो नोटिफिकेशन टाइम टाइम टू के अपडेट आप लोगों तक पहुंचते रहे एंड आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मामा अर्थ के बीट रूट हाइड्राफुल मॉइस्चराइजर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एंड ये जो मॉइस्चराइजर है ये विद बीट रूट एक्सट्रैक्ट के साथ है जो मॉइस्चराइजर ये कैसा है स्किन पे कैसा जाएगा कैसे स्किन वालों को इसको यूज करना है साथ साथ में क्या आपको इसको परचेस करना चाहिए या नहीं इन सारी चीजों के बारे में आगे बात करेंगे पहले चलिए प्रोडक्ट का क्लोज लुक ले प्रोडक्ट की आउटर पैकिंग आप लोग कैसे कार्डबोर्ड बॉक्स में रिसीव होगी एंड ये जो मॉइस्चराइजर है ये फोर्टी एट आवर का हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है मेड से सर्टिफाइड है ऑयल फ्री फॉर्मूला है इसका क्वांटिटी फिफ्टी ग्राम है एंड प्राइस की बात करूँ तो प्राइस थ्री फोर्टी नाइन रुपीज़ है एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ दी गई है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट से ट्वेंटी फोर मंथ तक आपको यूज़ करना है पैकिंग आप लोग कैसे पंप बॉटल में रिसीव होगी जो कि काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है एंड सबसे अच्छी बात है इसके इनर और आउटर पैकिंग पे सारे इन्ग्रडियंट्स अच्छे से मैंशन किए हुए हैं तो डर आप लोग वहाँ से इन्ग्रीडियंट्स को रीड कर सकते हो एंड देख सकते हो प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी सी लाइट पिंकिश टोन में है एंड जब आप लोग इसको मिक्स करोगे स्किन पर तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है कोई ऐसा कलर नहीं छोड़ता है तो इसका मैं एक दो पंप लूँगी और इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं इसमें इंक्लूडेड है बीट रूट एक्सट्रैक्ट जो कि हेल्दी पिंक ग्लो नेचुरली प्रोवाइड करने में हेल्पफुल है साथ में हेलोरॉनिक एसिड को यूज़ किया गया जो कि होल्ड करके रखेगी मॉइस्चर को लॉन्ग टाइम तक आपके स्किन में जिसके कारण आपकी स्किन जो है लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेटेड रहेगी समर में जल्दी ड्राइनेस फील नहीं होगी निया को ऐड किया गया जो कि आपके फेस पर अगर किसी भी तरीके का डार्क स्पॉट्स होगा उसको मिनिमाइज करने में हेल्पफुल रहेगी साथ साथ में आपके स्किन टोन को भी ये थोड़ा थोड़ा बेटर करती है एंड uh, इसमें कोई भी ऐसा हार्ड फ्रेगनेंस नहीं यूज़ किया गया है साथ साथ में स्किन में ये बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो गया है कोई भी ग्रीसीनेस नहीं है क्रीम में सो दैट समर के लिए काफ़ी अच्छा है बिकॉज़ अगर क्रीम चिपचिपा होता है ना तो समर में हम इसको आराम से नहीं यूज़ कर पाते हैं आप लोग इसको अच्छे से अंडर मेकअप भी यूज़ कर सकते हो एंड ये जो क्रीम है एक ग्लोई इफेक्ट देती है जैसा कि आप लोग को देख रहा हो मेरे स्किन जो है ग्लोई दिख रही है साथ साथ में एंटी एजिंग का भी काम करती बिकॉज बीटरूट एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ आता है साथ साथ में ये चिपचिपा नहीं होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इसको अप्लाई करके एंड बस इसमें मुझे एक ही माइनस पॉइंट दिखा है कि ये एस के साथ नहीं है साथ साथ में मुझे ऐसा कोई पिंक ग्लो अभी तक तो नहीं दिखा है अदरवाइज ये क्रीम काफी अच्छा है तो आप लोग इसको अपने डेली स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हो फेजर को अप्लाई करने के बाद मुझे ऐसा कोई पिंक ग्लो तो नोटिस नहीं हुआ बोल के बिकॉज इसमें मैंशन है कि ये पिंक ग्लो देता है तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं इसमें देखने को मिला इसको अप्लाई करने के बाद बट यस ये आपके स्किन को लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेटेड रखता है बिकॉज इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जिसके कारण आपके स्किन अंदर से ग्लो भी करती है तो अगर आप लोग समर में किसी ऐसे मॉइस्चराइजर के फॉर्म में जो आपके स्किन की ड्राइनेस को दूर रखे स्किन पे ग्लो को मेंटेन रखे एंड लॉन्ग टाइम तक आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखे तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा है एंड लॉन्ग टाइम स्किन पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है तो अगर आप लोग भी मामार्थ का ये बीट रूट मॉइस्चराइजर को परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो अच्छा इफेक्ट है लॉन्ग टाइम तक स्किन पे रहता है हाइड्रेशन भी देता है तो समर में हमें एक मॉइस्चराइजर से इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए अगर इसमें एस होता तो और भी अच्छी बात होती है बट इसके ऊपर आप लोग को बिल्कुल समर में एक अच्छा सनस्क्रीन अप्लाई करना पड़ेगा एंड आई होप आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा चैनल को नहीं सब्सक्राइब की तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा एंड ऐसे कॉन्टेंट लेके मैं बहुत जल्द मिलूँगी सो टिल बाय बाय फ्रेंड्स